मूवी की स्टार्टिंग होती है वुडी नाम के लड़के और नील नाम की लड़की को दिखाते हुए। दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, फिर भी आपस में दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। वुडी हमेशा ही उसे परेशान करता रहता है क्योंकि वुडी और नील दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जहाँ वुडी एक बहुत ही ज़्यादा नॉटी लड़का है और उसे म्यूज़िक और फुटबॉल का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, वहीं दूसरी तरफ नील एक काफ़ी शांत पढ़ाकू लड़की है जिसके काफ़ी कम दोस्त है। और वुडी और नील दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं और क्लासमेट भी है। एक बार स्कूल की तरफ से सभी स्टूडेंट को म्यूज़ियम ले जाया जाता है। फिर म्यूज़ियम में स्टूडेंट को कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं और इस असाइनमेंट के लिए टीचर्स वुडी और नील दोनों को एक दूसरे का पार्टनर बनाते हैं। ना चाहते हुए भी दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक एंशियंट गॉड की मूर्ति के सामने बहस करने लगते हैं। जब दोनों लड़ रहे होते हैं तभी मूर्ति में से किसी तरह की एनर्जी निकलती है और दोनों के अंदर घुस जाती है। असल में वो मूर्ति दोनों को एक तरह से कर्ज कर रही थी। इसके बारे में उन दोनों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। इसके बाद जब रात को दोनों सो रहे होते हैं तब एक मैजिकल सी घटना होती है जिसके कारण वुडी की आत्मा नील की बॉडी में चली जाती है और नील की आत्मा वुडी की बॉडी में। फिर सुबह जब दोनों सोकर उठते हैं तो दोनों काफ़ी अजीब फील कर रहे होते हैं और जब दोनों अपनी बॉडी को चेक करते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उन दोनों की बॉडी के साथ उनके प्राइवेट पार्ट्स भी चेंज हो चुके हैं। किसी तरह से दोनों को रियलाइज़ होता है कि असल में उनकी आत्मा चेंज हो गई है। उसके बाद दोनों स्कूल में मिलते हैं और एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम करने लगते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरह प्रिटेंड करेंगे जब तक कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की बॉडी में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभा नहीं पाते। इसके बाद नील वुडी की फुटबॉल प्रैक्टिस में जाती है क्योंकि नील को फुटबॉल खेलना नहीं आता, इसलिए वो काफ़ी गंदा परफॉर्म करती है। और एक बार नील फॉर्मल ड्रेस पहनकर स्कूल आती है। ये देखकर वुडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो कभी भी फॉर्मल कपड़े नहीं पहनता, इसलिए दोनों की आपस में बहस हो जाती है। इसके बाद वुडी डिसाइड करता है कि वो नील को सबक सिखाएगा, इसलिए वुडी नील की बॉडी में टीचर के साथ बहुत ही अजीब बिहेव करता है। ये देखकर नील बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि वुडी के ऐसा करने की वजह से उसकी इमेज खराब हो रही थी, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और नील वुडी की गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जब इसके बारे में वुडी को पता चलता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नील से बदला लेने के लिए वो स्कूल में काफ़ी छोटे कपड़े पहनकर आता है और स्कूल में सबके सामने काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग बिहेव करने लगता है। जब नील ये सब देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है। इसके बाद वुडी नील के सामने निकी नाम के एक लड़के के साथ बाइक पर चली जाती है। ये देखकर नील को लगता है कि वुडी उसके साथ इंटीमेट होगा जिस वजह से वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर देगी। दूसरी तरफ वुडी निकी के साथ होता है जहाँ निकी नील समझकर वुडी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। ये सब वुडी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो निकी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इस बात से निकी को काफ़ी इंसल्ट फील होता है और वो अगले दिन पूरे स्कूल में ये अफवाह फैला देता है कि वो दोनों कल रात साथ में इंटीमेट हुए थे। जब ये सब नील को पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है। वुडी नील को उदास देखकर उसके पास जाता है और उसे बताता है कि कल उसने निकी के साथ कुछ भी नहीं किया और पूरे स्कूल में बस झूठी अफवाह फैल रही है। नील को रोता देखकर वुडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो निकी से लड़ने जाता है, लेकिन वो नील की बॉडी में था इसलिए निकी उस पर भारी पड़ता है। तभी वहाँ पर वुडी की बॉडी में नील आती है और वो निकी को पीटती है। तब निकी सबके सामने इस बात को मानता है कि उसने बस झूठी अफवाह फैलाई है। इन सभी चीज़ों के बाद नील और वुडी आपस में बात करके सब कुछ शॉर्ट आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि म्यूज़ियम की स्टैचू की वजह से दोनों की बॉडी चेंज हुई है। इसके बाद दोनों मूर्ति के पास जाते हैं और उस मूर्ति से दोनों को पहले जैसा करने को बोलते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उस स्टैचू में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती, जिससे दोनों बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और घर आ जाते हैं। अब दोनों को यही लगने लगा था कि अब उन्हें हमेशा के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा।
कुछ दिन में नील की यूनिवर्सिटी के लिए एक एग्ज़ाम होना था और वुडी का फुटबॉल मैच भी होने वाला था। ये इवेंट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन दोनों की बॉडी एक्सचेंज होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसलिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करने का सोचते हैं। फिर नील वुडी को पढ़ाना शुरू करती है और वुडी नील को फुटबॉल प्रैक्टिस करवाता है। फिर ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और दोनों के एक साथ रहने की वजह से दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब वो समय आ जाता है जब नील का एग्ज़ाम होने वाला था और वुडी का फुटबॉल मैच। फिर नील की बॉडी में वुडी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाता है। यहाँ पर उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है। दूसरी तरफ फुटबॉल मैच में वुडी की बॉडी में नील कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। तभी वुडी वहाँ पर आता है और नील को चीयर अप करने लगता है, जिससे नील का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो अच्छा खेलने लगती है, जिससे कि उसकी टीम मैच को जीत जाती है। मैच के बाद दोनों मिलते हैं और इसी दौरान एंशेंट गॉड की मूर्ति एक और स्पेल करती है, जिससे वुडी और नील फिर से अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। बॉडी के चेंज हो जाने की वजह से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेट्स करते हैं। तभी वहाँ पर फुटबॉल टीम आती है और वुडी को उठाकर नील से दूर ले जाती है। इसके बाद वुडी की गर्लफ्रेंड आकर वुडी को किस करने लगती है। वुडी को किस करता देख नील काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो भी अब वुडी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसी दिन वुडी नील से मिलने जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे मिलने नहीं देती। इसके बाद नील को यूनिवर्सिटी से एक लेटर आता है और उसकी सेलेक्शन यूनिवर्सिटी में हो चुकी थी। कुछ दिन बाद स्कूल में फेयरवेल होने वाली थी। फिर नील के डैड नील के पास आते हैं और दोनों वुडी के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ नील कन्फेस करती है कि वो वुडी से प्यार करती है। फिर उसके डैड उसे वुडी की दी हुई गिफ्ट उसे देते हैं। इसके बाद फेयरवेल का दिन आता है, लेकिन नील को उस पार्टी में ना पाकर वुडी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। कुछ देर बाद नील पार्टी में आती है, तब दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। फिर पार्टी से निकलकर दोनों घर जाते हैं और घर के बाहर दोनों किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।